हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आज मैं बना रही हूँ बघारे बैंगन का सालन। बघारे बैंगन के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ के जी बैंगन। हाफ के जी लिए आप लिए 9 से 10 भी पकड़ लो, हाफ के जी में 9 से 10 बैंगन मेरे को पड़े। आप लोग जितने लेना चाह रहे हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो बैंगन। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है खोपरा, प्याज, लौंग, करिया पाक, कोतमीर, लाल मिर्च, नमक, इमली, जीरा, ऑयल, हल्दी और अदरक लहसुन मसाला। मैं यहाँ पर सबसे पहले खोपरा और ये जो लौंग है इन दोनों का मसाला पीस लेती हूँ। मसाला ग्राइंड करने के बाद मैं आप लोगों को दूसरा इसका रेसिपी आगे का बताऊंगी। ग्राइंड करने से पहले मैं इमली का खट्टा निकाल के रख लेती हूँ। बघारे बैंगन के लिए गाइस, मैं तो यहाँ पर ये मसाला बना के रख रही हूँ। नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि बघारे बैंगन के लिए मसाले में फली और तिल डालते, मैं ये दो को स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा स्टाइल नहीं है। मैं आपको आज अपने स्टाइल से बता रही हूँ। तो मेरे स्टाइल से सिर्फ लौंग और इतना सा ही खोपरा ले रही हूँ मैं, 5 या 6 लौंग और इतना सा ही खोपरा है। आप अपने बैंगन जो भी आप लेते हैं डालने के लिए बघारे बैंगन में, उसके हिसाब से मसाले और ये जो आइटम्स हैं ये सब कम या ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते। मैंने यहाँ पर खोपरे का मसाला ग्राइंड कर लिया है और इमली को भिगने डाल लिया है। अब मैं इस खोपरे के मसाले के अंदर ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे हल्दी, मिर्ची, इसके अंदर नमक है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मेरे को तो नहीं मालूम। इसके अंदर नमक है, मैं नमक भी यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। गाइस, यहाँ पर मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक, अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। मैं अभी इसको भी एक बार ग्राइंड करूंगी। मैंने यहाँ पे मसाला ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको निकाल के अनियंस को भी कट करके इसको भी मैं ग्राइंड कर लूंगी। ये जो प्याज है गाइस, आप अपने हिसाब से प्याज, ये मसाले और ये जो इमली, ये सब कुछ जो भी है अपने हिसाब से, बैंगन अपने जो आप बैंगन लेते हैं उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मसाला निकाल लिया गाइस। उसी जार में अनियंस को भी डाल लिया है। एक्चुअली गाइस इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जो भी मसाला रहता वो अनियंस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, अनियंस बोलो या फिर प्याज बोलो। ओके, अब मैं प्याज को ग्राइंड करके आपको बताती हूँ। फिर मैंने प्याज को ग्राइंड करके निकाल लिया है। उसी जार में मैंने ग्राइंड किया था जिसमें मैंने मसाले मिक्स किए थे, इसलिए इसका ये कलर आएगा। वरना अगर से नॉर्मली आप प्याज ग्राइंड करोगे तो उसका कलर वाइट आएगा, ये कलर नहीं आता। गाइस, बघारे बैंगन बनाने के लिए मैंने बैंगन को कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगी ये कैसे कट करते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर का है ना, इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद में ये जो साइड वाले हैं मैं इसको भी कट करूंगी। देखिए, आसानी से ऐसा पील ऑफ हो जाता है ये। देखिएगा ऐसा ये निकल गया है। ये पूरे अच्छे से ऐसा कट करके इसको निकाल देना है। यहाँ से ये निकाल दे के बाद में अब ये जो है ये साइड, ये है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे हम इसको ऐसा एक कट करेंगे और ये सेकेंड कट। उसके बाद में मैं इसमें कीड़ है या फिर साफ एक बार चेक कर ले रही हूँ। देखिए, ये अच्छे हैं, मेरे पूरे बैंगन अच्छे निकले। बहुत सारे लोगों के कम कीड़ के भी निकल जाते, बट मेरे ये सारे बैंगन अच्छे थे, मैंने सबको कट करके ले लिया। यहाँ पर बाउल में मैं यहाँ पे हमारा खोपरे का जो पेस्ट था, खोपरा, हल्दी, नमक, मिर्ची, अदरक, लहसुन का,
उसको ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हमारा प्याज का पेस्ट। अब हम इस दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है दो पेस्टों को। अभी मैं इसके ये जो बैगन है जो मैंने कट कर लिया था, अभी ये पेस्ट मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। हम कुछ इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से अंदर तक फिल करेंगे इसको, ये मसाले को। आप भी कुछ इस तरीके से इसको फिल कर लीजिए। मैं ये बाहर के जितने भी हमारे बैंगन हैं उसको फिल करके आपको बताती हूँ। मैंने सारे बैंगन को यहाँ पर मसाले से कुछ इस तरीके से फिल कर लिया है। ये बच गया सो मसाला है। चलिए आइए इसके आगे का हम प्रोसेस अभी देखते हैं। एक बाउल में मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, एक कटोरी ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया है। मैंने हीट हाई फ्लेम पर ही रखी है। फिर मैंने इसमें जीरा ऐड किया है। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा करियापा। इसको मैं अभी थोड़ी देर अच्छे से गर्म होने के लिए हिला रख दिया है। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बैगन, जो हमने पील कर कर रखा था ना, ये वही बैगन है। मैंने इस पैन में सारे बैंगन डाल लिए। अभी मैं इसके ऊपर से जो हमारा बच गया था ना मसाला, मैं उसे ऐड कर रही हूँ। ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल लिया है। इसको दो चार सेकंड हम ऐसे ही हाई फ्लेम पर पकने देंगे, उसके बाद में हम इसे स्टेयर फ्राई करेंगे। मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है और इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड कर रही हूँ। हाफ कप या हाफ ग्लास, हाफ ग्लास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए हमारा सालन अच्छे से पक रहा है। बीच बीच में हम इसको चेक करेंगे कि हमारे बैगन गले, हमारे जो बैगन है ये गल रहे हैं या नहीं। अभी मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी ढककर। आप भी कुछ भी ऐसा प्लेट रहा तो उसको ढककर ही पकाए, खुले में ना पकाए। 15 से 20 मिनट हो गए, मैं अभी इसको चेक कर रही हूँ। हमारे बैगन अच्छे से गल गए। अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प। ये इमली का पल्प है जो हमने इमली भीगने रखी थी ना वो वाली। इमली अच्छे से भीग गई थी, फिर मैं उसका पल्प निकाल ली। अभी मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दी। ये अच्छे से पक जाने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर गार्निशिंग के लिए कोथमीर ऐड करेंगे। हमारा सालन अभी तैयार हो गया है। मैं इसके ऊपर कोथमीर डाल दे रही हूँ गार्निशिंग के लिए। पहले मैं हीट हाई फ्लेम पे रखी थी, अभी ऑयल छूटने के लिए मैं सिम पे कर दी। अब एक दो चार सेकंड पकने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। हमारा सालन अभी बन गया। अभी मैं बंद कर रही हूँ हमारा चूल्हा। देखिए गाइस, हमारा करी भी बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही अच्छे से बना है। आपको दिख रहा है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब ये हम इसको खाने के साथ भी खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मेरा करी
जो भी सालन बनाएं आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।